Hello everyone, this is Ashishan. In this video, we are doing some more practice question on contract costing. So let's read question number 11. A contractor undertook a contract on 1st April 2013 at an agreed price of Rs. 6 lakh. The contractor closes the books on 31st March every year. The following information is provided in respect of the contract which is still incomplete on 31st March 2014. Material issued, material returned to store, materials at site, labor, direct expenses, plant installed, value of plant at the end of the year, uncertified work, and cash received from the contractee, which is 90% of the work certified, amounting rupees 3,78,000. Now we just need to require to prepare a contract account, that's it. So students, this is a very simple question. So I must say you need to do this question yourself. So ye question aapke liye homework hai. Now let's read question number 12. The following information relates to the building contract amounting rupees 10 lakh. आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट गिवन है 2 साल का, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है 2 साल में ओवर हो रहा है. सो देखिए, फर्स्ट ईयर में यानी दैट मीन्स इन 2017 क्या क्या खर्चे हुए. मटेरियल इशूड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट, प्लांट इशूड एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्टर. देखिए, ओवर कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का था, ठीक है, एंड वर्क सर्टिफाइड हुआ कितना हुआ, 7,50,000. कैश रिसीव कितना हुआ, 6 लाख. दैट मीन्स देखिए, काम तो देखिए ओवरऑल देखे देखा जाए तो ये आपका 75% काम हो चुका है. अच्छा, फिर बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ द ईयर इन 2017 7,000 थी एंड 18 में 5,000 थी. नाउ वी नीड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर 2 ईयर्स, ठीक है. चलिए मंडाते हैं. तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं. पहले हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. फॉर द ईयर 2017. तो देखिए क्या क्या खर्चे हुए. पहले लिखेंगे मटेरियल्स अमाउंटिंग रुपीज 3 लाख, डायरेक्ट वेजेस 2,30,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 22,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,000, प्लांट इशू हुआ अमाउंटिंग रुपीज 14,000. नाउ कम टू द राइट साइड, वर्क इन प्रोग्रेस. सो फर्स्ट वन विल बी वर्क सर्टिफाइड, अमाउंट रुपीज 7,50,000. वर्क अनसर्टिफाइड दैट इज 8,000. सो टोटल वर्क आपका 7,58,000. Then material at site, $5,000. Then value of plant at the end of year, that is in 2017, कितनी थी. Plant at site, which is 7,000. That's it. Now just make a total. Total is 7,70,000. So देखिए नॉमिनल प्रॉफिट कितना आएगा आपका, 7,70,000. अगर हम टोटल में से जितने भी एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए हैं माइनस करेंगे
वो आपका आ रहा है 1,98,000। अब देखेंगे इसमें से कितना अमाउंट हम जो है पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। देखिए कितना परसेंट काम हो चुका है, 75% काम हो चुका है, ठीक है। अगर 50 से ऊपर एंड 90 से नीचे अगर काम हो जाता है, वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, दैट इज 7,50,000, विच कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज 1,05,600। नाउ दिस वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, 1,05,600, एंड रेस्ट विल गो टू WIP रिजर्व अकाउंट, दैट इज 92,400। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। सो दिस वॉज ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर 2017। नाउ लेट्स प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर 2018। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर 2018 तो देखिए फर्स्ट जो मेथड होगा, यहाँ देखिए ध्यान से। अब देखिए पहले साल में जो भी कॉन्ट्रैक्ट में काम हुआ वो पूरा काम नहीं हुआ, तो जितना भी आपके पास इम्बैलेंस इन हैंड जो भी मटेरियल होगा और जो भी प्लांट होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए आपने अब तक कितना काम कर लिया है। आपने देखा जाए तो आपने इतना काम कर लिया है, 7,58,000 का काम कर लिया है। इसमें से आपने ये बैलेंस आपने जो रिजर्व बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या प्रोसेस होगा, यहाँ लिखोगे पहले आप WIP टोटल कितना लिखा है, दैट इज यहाँ पर देखिए 7,58,000, ठीक है। लेस करेंगे इसमें से रिजर्व विच इज 92,400, टोटल अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर 6,65,600। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए आपने जितना भी काम किया वो आप जैसे मैंने बताया क्रेडिट में WIP के लिए थे, क्योंकि वो हमको जो सेल की तरह हमको उसको रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। अब वो काम अब तक इनकम्प्लीट, यानी कि अब तक आपको पूरा काम अब तक उसको हम WIP रिजर्व इन वर्क इन प्रोग्रेस। तो जितना भी काम वो आप नेक्स्ट ईयर में उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे, भाई कॉन्ट्रैक्टर को जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया आपको दिखा होगा ना कि हाँ देखिए लास्ट ईयर का बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारा बैलेंस कर रहे हो, जो प्रॉफिट था वो तो आपकी जेब में चला गया, जो प्रॉफिट था कितना था, दैट इज 1,05,600, वो तो आपके पॉकेट में चला गया। ये आपको क्या दिखा रहा है कि आपने एक्चुअल में अब तक इतना खर्चा कर चुके हो, ठीक है, इतना खर्चा आप कर चुके हो, अब आप और खर्चा करने जा रहे हो। सो देखिए कैसे करेंगे, आप देखिए इस साल में क्या क्या नए नए खर्चे हुए। यहाँ देखिए मटेरियल हुआ 84,000 का, तो वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने लिखा था, मटीरियल 84,000, डायरेक्ट वेजेस 1,05,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,400, प्लांट 2,000। अच्छा मैं यहाँ पर एक काम सॉरी करना भूल गया, यहाँ पर यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको दो फिगर की बना है कि प्लांट एट साइड एंड मटेरियल साइड, ये दोनों भी कैरी फॉरवर्डिंग टू द नेक्स्ट ईयर, तो वहाँ पर वो भी हम लिखेंगे। तो यहाँ लिखोगे मटेरियल एट साइड अमाउंटिंग रुपीज 5,000 एंड प्लांट एट साइड विच इज 7,000, ठीक है। अब देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका 2018 में फिनिश हो रहा है, ठीक, कंप्लीट हो चुका है। तो आप क्रेडिट साइड में वर्किंग प्रोग्रेस तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखोगे, आपको कॉन्ट्रैक्टर से पैसे मिलेंगे,
आपको कॉन्ट्रैक्टी से पैसे मिलेंगे, तो यहाँ पे लिखो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कितना मिला आपको? 10 लाख का, ठीक है। और बाकी देखिए यहाँ पे प्लांट कोई है? अच्छा, प्लांट जो है वो बैलेंस रह गया था 2018 में, विच इज़ 5,000, एंड मटेरियल भी था दैट इज़ 7,000। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, बस अब हमें जो है अब ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो हमें करेंगे। तो देखिए टोटल होगा आपका 12 लाख, 10 लाख, 12,000, ठीक है। यहाँ भी देखिए आपका आ जाएगा 10 लाख, 12,000 टोटल। ठीक है, सो विच इज आपका यहाँ पर आएगा ओवरऑल प्रॉफिट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट विच कम्स टू बैलेंस अमाउंटिंग दैट इज वर्थ 1,32,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूछा हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो बहुत सिंपल है, देखिए जब आपको किसी से पैसे मिलेंगे तो क्या लिखोगे भाई? कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो बस यहाँ लिखो कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैसे रिसीव? तो यहाँ पर दो दो साल का बनाना है हमें, 2017 एंड 18 का। 17 में लिखोगे यहाँ पर अगर, तो लिखो कितना कैश मिला देखो 2017 में, विच इज़ 7,50,000। ठीक है, ये आ जाएगा आप टोटल आपका 2017 का। ऐसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे फॉर द ईयर 2018। अब इसमें यहाँ पे लिखो कैश अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपको कितने पैसे मिलोगे? बैलेंस पे लिखो, बैलेंस अमाउंट मिला होगा विच इज 2,50,000। सो ये आपका होगा 2018 का, दैट्स इट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 था आपका। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 13 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹6 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2016। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इंकर्ड अप टू 31 मार्च 2017। मटेरियल इश्यूड, मटेरियल सेंट डायरेक्टली, वेजेस, डायरेक्ट चार्जेस। फिर लिखा है द अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड अमाउंटिंग ₹1,20,000 ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्ड 3/4 इन कैश। द ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर 2017-18। अच्छा देखो ये जो डेटा गिवन है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो गिवन आपको 2016-17 का। अब जो ये आपको डेटा दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, वो दे रहे हैं आपको 2017-18 का। क्या लिखा है देखिए, द ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर 2017-18, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, वेजेस एंड डायरेक्ट चार्जेस। देन द कॉस्ट ऑफ स्पेशल प्लांट इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर द कॉन्ट्रैक्ट वॉज ₹1,20,000। फर्दर वर्क सर्टिफाइड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग ₹3,30,000 विच इज 75% ऑफ वर्क ऑफ विच वॉज रिसीव्ड। ओके, वर्क डन एंड नॉट सर्टिफाइड ऑन 31 मार्च 2018 वॉज वैल्यूड एट ₹22,500। स्पेशल प्लांट टू बी डेप्रिसिएटेड एट 25% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। मटीरियल्स ऑन साइट वर वैल्यूड एट ₹15,000, डेट मीन्स मटीरियल अनयूज मटीरियल आपका। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कम्प्लीटेड ऑन 31 जुलाई 2018। अच्छा देखिए यहाँ तक तो आपको जो भी गिवन था डेटा वो आपको 2017-18 तक था। अब आपको टू ये जो डेटा गिवन आपको सारा, ये गिवन है अब 2018-19 का। बट याद रखना ये जो अब कॉन्ट्रैक्ट जो कब खत्म हो रहा है, जुलाई में, दैट मीन्स 2019-18 में, 18-19 में वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई
4 months ही काम हुआ है। तो क्या गिवन हमें कि मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर्स, मटेरियल्स सेंड डायरेक्टली, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जनरल ओवरहेड आर टू बी टेकन एट 5% ऑफ द मटेरियल कंज्यूम्ड एंड वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, जनरल ओवरहेड आपको देखिए ऊपर में कहीं भी गिवन नहीं थे, ये जो आपको एडिशनल जो आपको गिवन है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपको एक तरह से सब पूरे क्वांटिटी के लिए गिवन है, यानी कि हर साल जो है 5% ऑफ द मटेरियल एज वेल एज 5% ऑफ वेजेस जितना पे कर रहे हैं उसका जनरल ओवरहेड जो है खर्चा हो रहा है। दैट मीन्स हमें ये वैल्यू जो है हर साल हमें कंसिडर करनी है। देन ऑन 31 जुलाई 2017 प्लांट वॉज वैल्यूड एट ₹75,000, दैट मीन्स आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू गिवन है 75,000 एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल एट साइट सोल्ड फॉर ₹10,500 एट कॉस्ट एंड दोज रिटर्न टू स्टोर अमाउंटिंग ₹19,500। ट्रांसफर 3/4 ऑफ द प्रॉफिट रिजर्व रिसीव्ड टू द पीएनएल अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 वो इतना है। अच्छा, तो ठीक है, फिर तो क्वेश्चन करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट बनना हमें 3 साल का, चलिए बनाते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट। ये बनाएंगे 16-17 का। देखिए क्या क्या खर्चे हुए, मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर्स 7,500, मटेरियल सेंट डायरेक्टली 52,500, वेजेस 30,000, डायरेक्ट चार्जेस 3,000 एंड आपको WIP गिवन है, वर्क सर्टिफाइड दैट इज 1,20,000। अच्छा, इसमें हमें कहीं पर भी वर्क अनसर्टिफाइड गिवन नहीं है, तो फिर मैं पूरा ही अमाउंट बाहर लिख देता हूँ आउटर कॉलम में, दैट इज 1,20,000 हमें गिवन ही नहीं है। बस अब टोटल करेंगे, ₹1,20,000 and ₹1,20,000। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पर आपसे एक बात और डिस्कस करनी थी। जैसे देखिए, मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमें जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है टू द पीएनएल अकाउंट, वो हम डिपेंड करता है कि कितना वर्क सर्टिफाइड हो चुका है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ओवर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें कुछ माइनर चेंजेस हैं, तो इसमें देखिए फर्स्ट कैटेगरी में वो होगी अगर मान लीजिए लेस देन 25% वर्क कंप्लीट हुआ है, तो फिर पी एंड एल में कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। लेस देन 25% काम होगा, दिस इज 25%। सेकेंड कैटेगरी 25% टू और कैन से लेस देन इक्वल टू 50% वर्क कंप्लीट हुआ है, तो फिर 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड, वही फॉर्मूला। देन इन द थर्ड कैटेगरी मोर देन 50% बट लेस देन 90% वर्क कंप्लीट हुआ है, देन वी विल कंसिडर 2/3 ऑफ नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड एंड
And the third and the last one would be, that is almost complete. यहाँ पर आप लिख सकते हो, अगर almost complete होने ही वाला है तो फिर estimated profit multiply by cash received divided by contractor, contract amount, जितना भी amount है contract का, ठीक है। सो ये क्राइटेरिया है, आप प्लीज़ इसको ही फॉलो करिए, ठीक है। मैंने पहले आपको जो बताया था उसमें मिस्टेक हो गई थी, तो इसमें आपको फोकस करना है मेनली, ठीक है। मैंने आपको ये पॉइंट क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है। यहाँ देखिए देखिए ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कितना था, 6 लाख का। वर्क सर्टिफिकेट कितना हुआ, 1,20,000 का। दैट मीन्स काम कितना हुआ, ओनली 20%, विच इज़ लेस देन 25%। दैट मीन्स कितना अमाउंट हम पी एन एल में ट्रांसफर करेंगे, नील। दैट मीन्स 100% ऑफ नॉशनल प्रॉफिट विल ट्रांसफर टू WIP रिजर्व। तो यहाँ लिखेंगे WIP रिजर्व अमाउंटिंग रुपीज 22,500। नाउ लेट्स प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर 2017-18। तो पहला स्टेप क्या हुआ, देखिए पहले आपको लास्ट ईयर में जितना भी वर्क इन प्रोग्रेस आया था, दैट इज़ अमाउंटिंग रुपीज़ 1,20,000, उसमें से पहले आप जो है रिजर्व का अमाउंट ट्रांस कर दो, विच रिप्रेजेंट योर ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है। तो यह आपका 97,500। अब एडिशन जो इस साल में जो जो खर्चा वो लिखेंगे, क्या आएगा यहाँ पर देखिए। अच्छा पहले यहाँ पर मटेरियल्स इन हैंड कुछ भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ लिखेंगे मटेरियल्स इशूड 1,35,000, वेजेस 60,000, डायरेक्ट चार्जेस 6,000, उसके बाद स्पेशल प्लांट भी इशू हुआ है, दैट इज 1,20,000, नाउ कम टू द राइट साइड, वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है, 3,30,000। देखिए कितना लिखा है, 3,30,000। अब देखिए यहाँ पर हम 3,30,000 लिख ही देंगे, बट बताइए कि लास्ट ईयर जो वर्क इन प्रोग्रेस था, क्या उसका कोई अमाउंट आपको मिला था, जो ये इसका था कुछ भी नहीं मिला था। तो ये भी आप अभी कंसिडर करोगे, दैट इज 1,20,000, ये भी आप कंसिडर करोगे लास्ट ईयर का, ऐड करोगे, ठीक है। अब वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, दैट इज 22,500। मैं फिर से भी कर रहा हूँ, 120 मैंने क्यों ऐड करा, क्योंकि लास्ट ईयर का जितना भी वर्किंग प्रोग्रेस था उसमें से कैश रिसीव हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो आप दिखाओगे ना कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्टी को, कि देखो लास्ट ईयर ये हुआ था और इस साल इतना हुआ, तो टोटल जो है कितना होगा, 450, बाकी वर्क अनसर्टिफाइड, तो टोटल होगा 4,72,500। अब सॉरी क्लास में एक पॉइंट मिस कर गया, यहाँ देखिए जनरल ओवरहेड्स गिवन आपको 5%, तो वो भी यहाँ पर आएगा आपका जनरल ओवरहेड्स 5% आएगा आपका, 5% ऑफ मटेरियल्स एंड वेजेस। तो वेजेस कितना है आपका, 30,000, एंड वो जाएगा आपका 60,000,
सो 90,000 का आपको 5% लेना है जनरल ओवरहेड्स अमाउंटिंग रुपीज 4,500। फिर आएगा आपका पे डब्ल्यू आई पी रिजर्व, ठीक है। ऐसा ही आपको यहाँ पर लिखना है जनरल ओवरहेड्स मटेरियल का। तो देखिए यहाँ पर पहले आपको देखना पड़ेगा मटेरियल एट साइड कितना है एंड प्लांट एट साइड कितना है। पहले लिखेंगे प्लांट एट साइड, हमें लेना है आफ्टर डिप्रेशन वैल्यू विच कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज 90,000, ठीक है। देन मटेरियल एट साइड आपको गिवन है 15,000, ठीक है। अब आपको निकालना है जनरल ओवरहेड्स। तो देखिए जनरल ओवरहेड्स आपको कैसे निकालना है, जितना ही मटेरियल आपको डेबिट साइड में लिखा हुआ है वेजेस अमाउंटिंग रुपीज 1,35,000 प्लस वेजेस 60,000 माइनस प्लांट जो है 15,000 का, वो भी माइनस करोगे, ठीक है। तो कितना होगा 120 प्लस 60 दैट इज 180। अब 1,80,000 का आपको 5% लेना है विच कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज 9,000। बस अब टोटल कर देंगे हम। टोटल आपका बन जाएगा ये 5,77,500। अब इसमें से नॉमिनल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉमिनल प्रॉफिट आपका आएगा 5,77,000 लेस आपका नॉमिनल प्रॉफिट अमाउंटिंग आ रहा है 1,50,000 का, ठीक है। अब देखेंगे अब तक कितना काम हो चुका है। अब तक देखिए काम हो चुका है 3,30,000 प्लस 120 दैट इज 4,50,000 काम हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट कितना था 6,00,000 का, तो दैट मीन्स कितना काम हो चुका है, ये हो चुका है 75% विच इज़ मोर देन 50%। तो नॉमिनल प्रॉफिट का हम क्या करेंगे, 2/3 ऑफ नॉमिनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव कितना हुआ है, कैश रिसीव्ड 75% हुआ शायद, क्लास यहाँ पर आपको छोटी सा करेक्शन है। ये जो लिखा हुआ है ट्रांसफर 3/4 ऑफ द प्रॉफिट रिसीव टू पी एन एल अकाउंट, ये आपका आएगा ईयर 2017-18 में, ठीक है। इंस्टीट्यूट 2018-19 ये आपका आएगा 2017-18 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको बता दिया पहले से कि 3/4 ही होगा, दैट मीन्स वी विल टेक 3/4 प्रपोर्शन। और कैश रिसीव कितना आपको लिखा हुआ है 75% विच कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज 84,375 एंड रेस्ट अमाउंट विल गो टू डब्ल्यू आई पी रिजर्व। तो यहाँ लिखेंगे पी एंड एल अकाउंट एंड डब्ल्यू आई पी रिजर्व। पी एंड एल में ट्रांसफर होगा 84,375 एंड बैलेंस विच इज 65,000
625 will go to WIP reserve. ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट था आपका फॉर द ईयर 2017-18 का. अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर 18-19. तो देखिए सबसे पहले क्या काम होगा, पहले यहाँ पे लिखेंगे WIP, टोटल लिख देंगे कितना टोटल तुम्हारे पर, दैट इज 4,72,500. एंड फिर लास्ट जितने भी रिजर्व में ट्रांसफर किया था वो लेस करेंगे, विच इज 65,625. ठीक, ये आपका अमाउंट रहेगा 4,06,875. अब लास्ट ईयर का जितना भी प्लांट एट साइट 90,000 था वो भी लिख दो यहाँ पर. अभी लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, प्लांट एट साइट अमाउंटिंग रुपीज 90,000, मटेरियल एट साइट 15,000. अब देखेंगे इस ईयर करंटली हमने क्या क्या नए नए और खर्चे किए. पहले लिखेंगे मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 10,500. मटेरियल सेंट डायरेक्टली 60,000. वेजेस 22,500. डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,025. और कोई खर्चा नहीं है. अच्छा, जनरल ओवरहेड्स. पहले हम राइट साइड लिख देते हैं. अच्छा, राइट साइड में तो देखिए आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही आएगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है. तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूरा आएगा 6 लाख का. प्लांट बचाए हैं विच इज 75,000. मटेरियल एट साइट वर सोल्ड फॉर रुपीज 10,500, तो वो तो लिख देंगे. मटेरियल एट साइट 10,500, क्योंकि यूज तो हुआ नहीं ना फिर तो. देन कुछ रिटर्न कर दी स्टोर में, दैट इज 19,500. मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 19,500. मेनली हमें करना है जनरल ओवरहेड्स. जनरल ओवरहेड्स से देखिए कैलकुलेशन कैसे होगी आपकी. प्लांट है आपका 90,000, 15,000 मटेरियल. इस साल आपका मटेरियल 10,500, मटेरियल 60,000, वेजेस 22,500, मटेरियल 15,000, 10,500, 60,000, 22,500, लेस 10,500, लेस 19,500. देखिए ओवरऑल जॉब को जनरल ओवर कैसे लेना. देखिए यहाँ पर देखिए इस साल का मटेरियल देखिए कितना कितना है, 15,000 जो भी डेट है डेबिट साइड में लिखा हुआ है. मटेरियल इशू 10,500, मटेरियल सेंट डायरेक्टली 60,000, वेजेस गिवन आपको 22,500, मटेरियल एट साइट क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है 10,500, वो लेस करेंगे. मटेरियल रिटर्न भी कर दिया 19,500 का, तो टोटल आपका बन गया 78,000.
अब इसका आपको 5% लेना है, तो 5% आपका आ जाएगा ये 3,900। बस अब टोटल कर देंगे, टोटल आपका बन गया ये 7,05,000। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, सो दैट मीन्स नाउ द ऑल अमाउंट विल ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट विच इज 94,200। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। In this video lecture, we have covered two questions. Now, I will upload one more video lecture. We will cover two more questions. So, class, I hope you understand very well. Thank you.